नमस्कार नमस्कार। हिंदी मीडियम के लिए आज क्लास यानी कक्षा 8 8 ऐसे लिख देते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कक्षा 8 के लिए यानी क्लास यहां पर 8। टॉपिक का नाम है परिमेय संख्याएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। तो आज इसी के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। 20 मिनट का ये वीडियो होगा। यहां पर एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाता हूं कि एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 13 हुआ। एक्स बराबर क्या हुआ? 11 हुआ। यानी ऑरिजिन से दाया की ओर जा रहा है तो यह एक नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है। कौन सा संख्या है? प्राकृत संख्या। यह एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब यहां पर देखोगे कि यही क्वेश्चन में एक्स प्लस फाइव इक्वल फाइव कर, तो यहाँ एक्स बराबर 0 हो गया। ये कौन सा नंबर है? ये नंबर है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, होल नंबर। यानी प्राकृत संख्या को जब हम दिखाएंगे तो इसे ऐसे दिखाएंगे और होल नंबर को दिखाएंगे इसे ऐसे दिखाएंगे। अब एक एग्जाम्पल लेके और पे बताता हूं। यहां पर 2x इक्वल 3, मतलब 2x प्लस 3 इक्वल आपको हमने डाल दिया 0। तो यहां पर 2x इज इक्वल टू -3, सो x इज इक्वल टू -3/2। यही है परिमेय संख्या। या 5x प्लस 7 इक्वल 0, तो x = -7/5, यही है परिमेय संख्या। ये आपको परिमेय संख्या जिसे हम रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कहते हैं, नंबर्स नहीं, रेशनल नंबर। तो आपने रेशनल नंबर के बारे में सीख गया है, आपने जान चुका है। अब हम लोग इसकी ऑपरेशन की चर्चा करेंगे और कोशिश करना है यहाँ पर कि अच्छे ढंग से इसका हम काम करें। आइए हम लोग कोशिश करते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, यानी हिंदी में अगर हम कहें तो परिमेय संख्याओं का गुणधर्म, परिमेय संख्याओं का के गुण धर्म। इंग्लिश में इसी को कहते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर।
तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टी में पहला सबसे बड़ी होती है, इसको हम शनवृत्त कहते हैं। शनवृत्त कहने का सेंस क्लोजर, क्लोजर, क्लोजर। देखो क्लोजर का अर्थ ही होता है बाउंड्री में, तो चूंकि सारे नंबर को हम लोग को करना पड़ेगा कि कौन क्लोजर प्रॉपर्टी है कौन क्लोजर प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी जब चालू हो गई है तो चालू हो गई है। तो आगे हम लोग एक एक नंबर को देखते हैं। सबसे पहले नंबर आया वह था प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। गौर से देखो, 2 प्लस 5 बराबर 7। अगर ये प्राकृत संख्या, ये भी प्राकृत संख्या है, तो ये भी प्राकृत संख्या होगा। इसे कहा जाता है नेचुरल नंबर, यानी ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर होगा, यानी एडिशन के केस में आपका हो गया। लेकिन तू कभी सोचा कि 2 माइनस 5 माइनस 3, इसको हम एडिशन यानी योग बोलते हैं, यहां पर सब्ट्रैक्शन, इसे व्यवकलन बोलते हैं, और 2 इंटू 5 10 यानी मल्टीप्लीकेशन, इसे हम गुणन बोलते हैं, और 5 डिवाइडेड 2 यानी 5/2 यहां डिवाइड, इसे हम भाग बोलते हैं। तो आप गौर से देखिएगा कि नेचुरल का नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या का प्राकृत संख्या किसमें किसमें आया, ये आपको टिक करना होगा, योग के लिए और गुणन के लिए, इसके लिए नहीं। तो इसी ढंग से अब हम पूर्ण संख्या में इसमें करेंगे, कि पूर्ण संख्या है ही, तो यहां पर पूर्ण संख्या यानी होल नंबर के बारे में करेंगे, तो यहां पर होल नंबर में भी आपको यहां पर हम लोग देखेंगे कि किसमें हो रहा है किसमें नहीं हो रहा है। अब अगले पेज में यहां पर हम लोग को देखना होगा कि आपने देखा कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या योग में और गुणन में शनवृत्त रूल को करता है। हम लोग पहला रूल को अभी देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे पूर्णांक, पूर्णांक यानी पूरा पूरा अंग, इंग्लिश में इसे इंटीजर्स कहा जाता है, यानी इंटीजर्स को हम लोग देखेंगे। तो यहां पर हम इंटीजर्स को अगर देखते हैं ना, तो ए एस्ट्रिक बी, अगर यानी यहां पर ऐसे सोचो, ए बिलोंग टू एस और बी बिलोंग टू एस, ए स्टिक बी ऑल्सो बिलोंग टू एस, यानी हम पहले एडिशन के केस में देखते हैं, हिंदी में इसे योग कहते हैं। तो 2 इंटीजर्स ले लीजिए, -5 प्लस -6 -11 इंटीजर्स ही है। यहां पर हम सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे या वो कलन, यानी -5 से -6 अगर आप घटाते हैं तो 1 आता है, यानी इसके लिए भी है। आप मल्टीप्लीकेशन यानी गुणन के बारे में बात करें, -5 इंटू -6 यहां +30 इसमें भी है। डिवाइड के बारे में हम बात करें यानी ये भाग, तो यहां पर 5 को
हम 2 से भागा दिया तो 5/2, यानी अब हम देखेंगे कि किसके लिए शनिवृत्त है और नहीं है। तो आज बुधवार का दिन ब्लू कलर से यहां है, यहां है, यहां है, यहां नहीं। इसके आधे पेज में जिस नंबर को क्लास में आपने इतनी देर से मेहनत कर रहे थे वो है परिमेय संख्या। अब हम प्रमेय संख्याएं के बारे में बात करेंगे, रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो रेशनल नंबर आखिर है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पर रेशनल नंबर्स, तो हिंदी मीडियम वाले को इंग्लिश में भी मैं बोलने का प्रयास, एडिशन की अगर हम बात करें तो देखो यहां पर 2/3 और यहां पर 4/3, जोड़ दोगे तो 6/3, ये आ जाएगा 2। यानी योग के केस में सेम, सब्ट्रैक्शन की बात करें तो यहां पर भाई वो कलन, यानी यहां पर 2/3 -4/3, यहां पर -2/3, यानी सब्ट्रैक्शन भी लागू हो गया। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन, तो यहां पर 2/3 और 3/4, 3/3 कट गया, 1/2 भी है। लेकिन डिवीजन की बात करें तो यहां पर देखोगे तुमको डिवीजन में फंसेगा 5/0, यह आपका इन्फिनिटी हो जाता है जो रेशनल नंबर नहीं। यानी इसको रेड कलर से आपको चेक कर रही है, ये एडिशन के लिए है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। यानी आपने पहले प्रॉपर्टी को खूब बढ़िया ढंग से आपने चेक कर लिया है। ये बात की हमें खुशी है कि आपने पहला रूल को आपने कर लिया है। अब इस पर हम लोग ने क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वह किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, यहां पर हम एक छोटा सा आपको हम राव लेंगे आपको क्वेश्चन बनवाने के लिए। तो अब हम लोग करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन को थोड़ी सी मॉडिफाई करेंगे और वहां पर क्वेश्चन की डिस्कशन होगी। तो यहां पर आप नंबर्स ले लेंगे, नंबर्स यानी हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं संख्याएं। अब संख्याओं में सबसे पहले एडिशन के लिए चेक करवाएंगे, फिर सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करवाएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कराएंगे और फिर डिवीजन के लिए चेक कराएंगे। तो यहां पर डिवीजन यानी भाग, मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणन, यहां पर वो कलन और यहां पर योग। तो पहले नंबर आपको हम लाते हैं वो है, सबसे पहले नंबर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की हम बात करें, पहले लिख देता हूं नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, सिंबल भी समझते चलो, इंटीजर्स नंबर, क्यू से रेशनल नंबर, आगे चल के रियल नंबर, उसके आगे इवेन नंबर और ऑड। किस रूल के तहत देखना है, वह रूल है शनिवृत्त, वह रूल है शनिवृत्त। अब इसको कुछ क्वेश्चन हम बना देंगे, कुछ क्वेश्चन को आपको करना होगा, फिर अगले वीडियो में हम लोग काम करेंगे। तो यहां पर हम बात करेंगे एडिशन के लिए, मैं कुछ क्वेश्चन बनवा देता हूं, इवन ऑड वाला हम बता देता हूं और बाकी क्वेश्चन को आप करेंगे। यहां पर इवन नंबर की अगर हम बात करें तो दो इवन नंबर यानी दो इवन नंबर को हम लोग बोलते हैं सम संख्या, सम इसको बोलते हैं विषम। सम संख्या का डिफिनेशन ये होगा जो दो के मल्टीपल में हो, विषम का होगा जो दो के मल्टीपल में नहीं हो।
दो सम संख्या का जोग हमेशा सम संख्या होता है और सब्ट्रैक्शन भी हमेशा सम संख्या होता है, गुणा भी सम संख्या होता है, लेकिन भाग दोगे तो नहीं होगा। इसी ढंग से ऑड नंबर की हम बात करें, विषम संख्या की बात करें, तो दो ऑड का सम हमेशा इवेन होता है, यानी नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, केवल मल्टीप्लीकेशन होगा, डिवीजन भी नहीं होगा। तो बाकी नंबर को आप लोग कर लेंगे ना, जैसे रियल नंबर की हम बात करें, बाकी नंबर को कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।